और यहाँ पे छठ पर्व का जो त्योहार है और 12 महीना यहाँ पे लगा रहता है, माता की ऐसी कृपा है। छठ पर्व पे यहाँ पे देखिए, छठ पर्व की तैयारियां जोरों पर है। मैं सुशील तिवारी गाजीपुर जिले में जिससे मैं आया हूँ, साफ कर रहे हैं, और यहीं पर महिलाएं छठ व्रत करेंगी। और माताएं जो छठ कर रही हैं, यही एक है जो हमारे गांव के उत्तर साइड में जो ताल है उसमें पानी लगा रहता है बरसात का या नहर का, उसी में हमेशा इसके वजह से इसी में होता है अधिकतर। तो हमारे गांव के जो माताएं हैं वो जाती हैं गंगा जी भी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे जिसका मतलब साधन ना हो तो यही करने का छठ होता है, हर साल होता है यहीं पे। लेकिन मैं अभी देख रहा हूँ जो काफी मतलब बच्चे मेहनत भी कर रहे हैं और काफी समय से आप खड़े हैं। समय से खड़ा हूँ कि मैं आया आज देखा कि मतलब सफाई कर्मी और सब साफ किए थे, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें घास होने के कारण मैं सोचा कि आज दो चार बंदे को लेकर के, दो चार लड़कों को लेकर के मैं घाट को साफ करा देगी ताकि माताओं बहनों को तकलीफ न हो। वो सीधे मैं दिखा रहा हूँ और अभी मैं विनोद जी से बात करूंगा। बाबू थोड़ा सा आ जा, ये देखिए ये बना है, यहाँ पे देखिए यहीं पे बैठ के माताएं पूजन करती हैं। और देखें तो सबने अपने नाम को भी यहाँ पे कुबेर सा दिया है, जो जो दीदी जी से हम गांव की भाषा में कहते हैं। नहीं हम देखिए दीदी साहब को बुलाए थे, हम भी आए थे, हम आए नहीं थे, सफाई करने लोगों को भेजते थे कि जा करके घाट साफ कर दो। वो हम लोगों को सूचना मिला कि बहुत ज़्यादा घास है, तो मैं आया देखा कि अच्छा नहीं लगा, इसके वजह से मैंने अपने गाँव का लड़कों से और भाइयों से सहयोग लेकर के मैं कहा कि चलो साफ हो जाए, तो मैं यहाँ पे खड़ा होकर के खुद ही साफ करा रहा हूँ। अब देखेंगे अगर मैं कहूँ भूपचक इसमें महिलाएं केवल नहीं है, इसमें पकड़ी की भी, पूरी पकड़ी की इसमें आती है, पकड़ी के भी लोग, हाँ इसमें पकड़ी का भी सबसे ज्यादा। मतलब ये नहीं है कि ग्राम प्रधान जी अपने गाँव के लिए खड़े हैं, नहीं हमारे क्षेत्र के जो भी हैं, जो अगर कोई आएगा तो मना थोड़े करेंगे, स्वागत उनके लिए स्वागत है, आ करके करें छठ। हमारे तरफ से जो सहयोग हुआ मैं करने के लिए तैयार। को लीपा गया है और यहाँ पे वेदी को यहाँ पे बनाया गया है, माताएं व्रत करती हैं, निर्जला व्रत वो करती हैं, सूर्य को अर्घ देती हैं, डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, फिर सुबह को देखने के लिए ललायत सी रहती हैं कि कब सूर्य देवता के दर्शन होंगे। वही मैं सीधे दिखा रहा हूँ यहाँ पे, आप देखिए। और भी मैं कहूँ गाजीपुर में कम ऐसे वीडियो हैं, जो भी लोग देख रहे हैं उनको छठ पर्व पे आप क्या कहेंगे? जो भी देख रहे हैं मैं हमारे तरफ से उन लोगों को भी शुभकामनाएं कि अपना भी जो जहाँ से भी है उस तरह से हर जगह माताएं बहनों के लिए कोई भी छठ व्रत कर रहा हो उसके लिए साफ सफाई अति आवश्यक है। कि मान लीजिए कहीं भी होता है तो माता गंगा जी को छोड़ करके तो अन्य तालाब हो तो खुदाई होता है उसमें साफ रहता है, लेकिन अन्य जगह पानी लगा रहता है तो उसमें साफ सफाई नहीं रहता है। तो अन्य लोग जो भी देखेंगे उस तरह से साफ सफाई रहेगा तो अत्युत्तम रहेगा। मैं यही चाहूँगा कि जो भी देख रहा है वो अपने अपने क्षेत्र का मतलब बढ़िया से मतलब साफ सफाई करा करके, माताएं बहने घुसे तो घास घुसी रहे, घास रहेगी तो उसमें दिक्कत होगी, कीड़ा मकोड़े का भी दिक्कत रहता है, और साफ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पानी